एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th मार्च के करंट अफेयर्स। कल 8 मार्च था, इंटरनेशनल वीमेंस डे था, लेकिन मेरी क्लास करंट अफेयर्स की नहीं हो पाई थी। सो, आज हम डिस्कस करेंगे 8 और 9 मार्च के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th ऑफ मार्च के बारे में। 9th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे। तो आज क्या है? नो स्मोकिंग डे है, जो कि सेकेंड वेनसडे ऑफ मार्च को होता है। तो सेकेंड वेनसडे ऑफ मार्च आज ही पड़ा है, मतलब 9 मार्च को है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो थीम है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये इसकी थीम थी। तो आइए हम बात करते हैं 8 मार्च के बारे में। 8 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और जिन भी लोगों ने टेलीग्राम पे विशेस भेजी थी, तो उन सबके लिए थैंक यू। इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है वो 1911 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसको एडॉप्ट कब किया? 1977 में। 2022 की, मतलब 2022 की इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, हर साल 8 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आइए अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स के साथ, लेकिन आज काफ़ी कुछ न्यूज़ जो है वो हमारी डिफेंस रिलेटेड है, तो एक एक करके सारी न्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। पहली न्यूज़ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब BCCI, इंडिया प्रीमियर लीग मतलब IPL, गवर्निंग काउंसिल हैज़ अनाउंस ब्लैंक एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा IPL 2022। यहाँ पे बोला गया है कि BCCI के द्वारा IPL का ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया है फॉर द 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL 2022। तो सही आंसर हो जाएगा रुपे। क्या आंसर हो जाएगा? रुपे। अब यहाँ पे देखिए, 15th नंबर का जो IPL हो रहा है वो कहाँ होगा? 26 मार्च से शुरू होगा, 26 मार्च से ये शुरू होगा और मुंबई और पुणे के अलग अलग इंटरनेशनल वेन्यूज़ में, स्टेडियम में इसे खेला जाएगा। अगर इसके को प्रेजेंटेड बाय IPL ड्रीम 11 है, को पावर्ड बाय टाटा एंड क्रेड है, इसके अलावा स्विगी है, जेप्टो है, ऐसे कई सारे जो हैं वो एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं। आपको फिलहाल याद रखना है कि ऑफिशियल पार्टनर रुपए को यहाँ पे बनाया गया है बाय द BCCI। अब BCCI की जब बात निकल के आई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में बना था, बांखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं, मेंस कोच जो है वो राहुल द्रविड़ हैं और वीमेंस कोच जो है वो रमेश पवार हैं। इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द ओशियन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे ओशियन 2022 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, किस सिटी में हुई थी और इसकी थीम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुई है? चेन्नई में हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो IIT मद्रास, साथ ही साथ NIOT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के जॉइंटली इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें बताया जा रहा है कि हम ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा रिजर्व है, जो हमारे ओशियंस हैं, हमारा जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नया इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन में की गई और इसकी थीम थी इंस्पायर इनोवेट एंड सस्टेन। ठीक है, इस साल की ये थीम थी। चलिए अगली बात करते हैं, द सी लेवल ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजेनियसली डेवलप फ्लाइंग ट्रेनर वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड रिसेंटली एट पॉन्डिचेरी। वॉट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो भारत का पहले स्वदेश में विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का अभी ट्रेनर जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया पॉन्डिचेरी में। इसका नाम पूछा गया है और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको डिज़ाइन किसने किया है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो नाम है वो है हंसा एनजी इसका नाम है, जो कि एक फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसने बेंगलुरु से लेके पौंडीचेरी तक उड़ान भरी। ठीक है, लगभग 140 किलोमीटर का या माइल्स का डिस्टेंस इसने कवर किया था डेढ़ घंटे में, 5 आवर्स में, और इसकी स्पीड थी 155 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसने किसे डिज़ाइन किया है, किसने डिज़ाइन किया इसको? तो CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन फेज्ड मैनर इन अंडरस्टैंड द चैलेंज एक्सपीरियंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। द प्रोग्राम हैज़ बीन रोल्ड आउट इन विच स्टेट इन अ फर्स्ट फेज। अब नाम से जैसा लग रहा है सागर परिक्रमा, आप लोग जो लोग समझते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे
मॉन्क्स वगैरह होते हैं जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और गंगा रिवर की परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे ही कुछ नाम लग रहा है सागर परिक्रमा, लेकिन उससे रिलेट नहीं करना है। ये मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज़ के द्वारा शुरू किया गया है, जो फिशरमैन्स होते हैं उनके सामने कौन कौन से चैलेंज हैं उन्हें समझने और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फेज़ में ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो पहले फेज़ में प्रोग्राम जो है वो गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात हमें पता है हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है वो 9 स्टेट के साथ लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरीके से 9 स्टेट के साथ हमारी जो है वो कोस्टल बाउंड्री लगती है, लेकिन सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री हमारी गुजरात के साथ ही तो शेयर होती है। तो गुजरात में इसे पहला स्टेप इसका शुरू किया गया है। टू बिगिन विद, गुजरात विल मार्क द फर्स्ट स्टेट अंडर दिस इनिशिएटिव। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा सागर परिक्रमा जो प्रोग्राम है इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलिए, अब बात हो रही थी गुजरात के बारे में, तो गुजरात के कुछ नेशनल पार्क हम देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है, फिर है वंसा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी चीज़ें आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर DMD ऑफ SBI। SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये है नितिन चुंग, इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO रह चुके हैं, साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल बैंकिंग में के हेड रहे हैं HDFC बैंक में। इन्हें DMD चुना गया है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो भारतीय नौसेना ने रिसेंटली किस डिस्ट्रॉयर की मदद से ब्रह्मोस को लॉन्च किया है या उसकी टेस्टिंग की है, तो सही आंसर हो जाएगा INS चेन्नई। आप देखिए, ये वो डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम INS चेन्नई है, यहाँ से इसके ऊपर से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करते हुए उसको टेस्ट किया गया है। पर्पस क्या था? पर्पस था इसको ट्रायल करना, डेमोंस्ट्रेशन द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ब्रह्मोस जो मिसाइल है बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर है भारत और रशिया का, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्पा, द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप। ये जो बुक है ये उषा उत्तूप से पर लिखी गई है, उनकी जीवनी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहली चीज़ तो ये समझिए, इसका जो हिंदी टाइटल है वो है उल्लास की नाव, और हिंदी टाइटल जो है उसके ऑथर कौन है? विकास कुमार झा है, और इंग्लिश में जो लिखा गया है वो सृष्टि झा के द्वारा लिखा गया है। तो विकास कुमार झा के द्वारा उल्लास की नाव, ये हिंदी में है, और फिर इंग्लिश में किसने लिखा है? सृष्टि झा ने लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। क्रिकेट प्लेयर मिताली राज हैज़ रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू अपीयर इन ब्लैंक वर्ल्ड कप। तो ये पहली फीमेल बन चुकी हैं जो 6 वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली हैं। आपको पता है ना, 12th नंबर का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो न्यूजीलैंड में हो रहा है, जिसमें मिताली राज ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया है, ठीक है। और ये पहली फीमेल बन चुकी हैं जो 6 वर्ल्ड कप में यहाँ पे शामिल हो रही हैं। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लेयर का नाम आता है जो 6 वर्ल्ड कप में शामिल हुए। एक तो मिताली राज है जो 3rd नंबर पे हैं, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और जावेद, ये जो लोग हैं ये 6 बार वर्ल्ड कप में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, मिताली राज की बात करते हैं तो 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में ये वर्ल्ड कप में शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समर्थ इज़ अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री। तो समर्थ महिलाओं के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो स्टार्टअप कर सकती हैं, वो एक बिजनेस वूमेन बन सकती हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए समर्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, जब स्टार्टअप की बात आ जाती है तो सीधे ध्यान जाता है MSME सेक्टर की तरफ, तो बिल्कुल MSME सेक्टर ही है ये। समर्थ जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा शुरू की गई है, श्री नारायण राणे जी के द्वारा ये जो स्कीम है उसको शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट टू वीमेन एंड टू ट्रेन मोर देन 7500 वीमेन कैंडिडेट फॉर रूरल एंड सब अर्बन एरियाज इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। नेक्स्ट है डोनेट ए पेंशन स्कीम। तो डोनेट अ पेंशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरू किया गया है।
तो ये किस योजना के अंदर शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत डोनेट ए पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है। अब इसमें क्या बातें की जा रही हैं देखिएगा, यूनियन लेबर एंड एम्पावरमेंट यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम 7 मार्च को। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, फ्रॉम हिज रेसिडेंट एंड डोनेट द सेम टू हिज गार्डनर। अंडर द न्यू इनिशिएटिव सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड ऑफ देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ सच एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स ड्राइवर हेल्पर एटसेट्रा बाय डोनेटिंग द प्रीमियर अमाउंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा वीक सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 7 से लेकर 13 मार्च के बीच में, ठीक है। इसमें अपनी इच्छा से इनिशिएटिव लिया जा सकता है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी पेंशन को। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो बहुत आसान है, SILEX 2022 मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, SL मतलब श्रीलंका, EN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो द इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विल बी हेल्ड विच प्लेस, किस प्लेस पे एक्सरसाइज हो रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है विशाखापट्टनम में। ये कौन सा एडिशन है? तो ये 9th नंबर का एडिशन है, ये एक नेबल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेबल एक्सरसाइज है। तो 7th मार्च से 10th मार्च के बीच में विशाखापट्टनम में होगी, 2 फेज में होगी। पहला फेज जो है वो हार्बर फेज विशाखापट्टनम में 7 से 8 मार्च के बीच में, और सेकेंड फेज जो है वो सी फेज है जो 9 से 10 मार्च के बीच में बे ऑफ बंगाल में होगा। भारत की तरफ से INS किरच इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट है, RBI इज ऑब्जर्विंग द डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2022 फ्रॉम March 7 to 11, 2022। वॉट इज द थीम ऑफ द सेलिब्रेशन? तो RBI के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक शुरू किया गया है जो कि 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है? आउटरीच एंड एबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है। ये 17th फाउंडेशन डे ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए 7 मार्च को, इसलिए पूरे वीक को सेलिब्रेट करने की बात RBI के द्वारा की गई है। फोन 7 मेडल एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन काहिरा इजिप्ट, दीज इंक्लूड हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स। तो देखो भारत को यहाँ पे 7 मेडल हासिल किए भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 जो कि इजिप्ट में हो रहा था। इन 7 मेडल में से अगर हम बात करते हैं तो 4 यहाँ पर क्या है, गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रोंज मेडल है। तो ये हो गए टोटल 7 मेडल। तो टोटल 7 मेडल भारत ने यहाँ पर हासिल किए हैं, ठीक है। इसके साथ ही मेडल टैली में इंडिया ने क्या किया है, टॉप किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ISSF वर्ल्ड कप में किसने टॉप किया है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया ने। कितने मेडल के साथ? 7 मेडल के साथ, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। सेकेंड नंबर पर नॉर्वे का नंबर आता है, नॉर्वे ने 6 मेडल हासिल किए हैं जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर फ्रांस आता है जिसने 3 गोल्ड हासिल किए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चीज़। अगली बात यहाँ पे करते हैं, इस शूटिंग कंपटीशन में इंडिया की वीमेंस ट्रायो जिसमें कौन कौन है, रानी सरनोबत है, ईशा सिंह है और रिधिम संगवान है, इन तीनों ने मिलके जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में, ठीक है। तो इन तीनों लोगों का नाम याद रखना है, टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों प्लेयर किस गेम से हैं, तो ये शूटिंग से हैं, ठीक है ना, ये कौन है, शूटर्स हैं। इसके अलावा इंडियन मेंस 25 मीटर पिस्टल टीम में अनीश भनवाल, गुरप्रीत सिंह और भवेश शेखावत के द्वारा जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया। तो जो मेंस की टीम थी उन्होंने सिल्वर जीता है, जो वीमेंस की ट्रायो थी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भारत को दिया है। Microsoft has recently opened its largest data center in India in Hyderabad. तो Microsoft अपने सबसे बड़ा जो data center है वो कहाँ पर खोलने वाला है, हैदराबाद में खोलने वाला है। Question ये पूछा है कि apart from this, the company already has how many data center in the country? इस हैदराबाद center जो खोलने वाला है उसके अलावा कितने और center Microsoft के data center भारत में हैं? तो answer हो जाएगा 3 और center हैं। तो अब total कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पे data center हो जाएंगे इस हैदराबाद वाले को मिला के, ठीक है। हैदराबाद डेटा सेंटर विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया, विल बी ऑपरेशनल बाय 2025। कब तक ऑपरेशनल होगा? 2025 तक होगा। इसके अलावा मुंबई में, चेन्नई और पुणे में भी माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है। तो कौन कौन सी लोकेशन पे हो जाएगा? मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद।
To set up the data center, Microsoft had signed a definite agreement with Telangana state government with total investment of 15,000 crore. तो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ 15,000 करोड़ का यहाँ पे साइन भी किया है डील. नेक्स्ट है 11,000 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर रिसेंटली. तो पुणे में मेट्रो सर्विस की शुरुआत कर दी गई है. तो ये 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया है. इसकी टोटल लेंथ जो है वो 33 किलोमीटर की है और लगभग 30 स्टेशन को ये कवर करेगी. पुणे मेट्रो इज़ द फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू हैव एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस. तो ये खास इसलिए है क्योंकि इस मेट्रो प्रोजेक्ट में एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस का यूज़ किया जाएगा बाय मैन्युफैक्चर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं रॉड मार्श who died recently at the age of 74 was the former cricket player of which country. Rod Marsh ji ka nidhan ho gaya hai. Ye cricket player the. Aapko batana hai ki kis desh ke liye khelte the. To answer ho jayega Australia. Ek wicket keeper the ye aur Australia se the. Inka nidhan ho gaya hai. He was inducted into the ICC Cricket Hall of the Fame in 2009. Ye bhi yaad rakhna hai. Next hai India Global Forum annual summit has been organized in. जैसे कि अभी हमने देखा कि ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी तो आपने बताया चेन्नई में हुई थी. वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ग्लोबल फोरम समिट कहाँ पर हुआ था. तो ये समिट बेंगलुरु में हुआ था. कहाँ पे हुआ था ये समिट? बेंगलुरु में हुआ था. और इसकी थीम क्या है? द इंडिया द न्यू इंडिया. इसकी थीम क्या है? द न्यू इंडिया. द समिट विल ब्रिंग टुगेदर हुज who have joined the unicorn club along with a union minister, policy maker and global business leader. ये सभी लोग इस समिट में शामिल हुए थे. नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली प्लेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाली रिसेंटली कंट्री कौन सी बन गई है? तो आंसर हो जाएगा यूएई. पाकिस्तान जो है वो पहले से ही शामिल थी, अभी भी लेकिन शामिल है, उसको हटाया नहीं गया है. और एक और जो कंट्री यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है एफएटीएफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, वो आ जाएगी यूएई. अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं. 1989 में बना था. 39 मेंबर कंट्री है. पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है और प्रेसिडेंट का नाम मार्कस प्लियर है. अब ये क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो जरा हम देख लेते हैं. ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, जो लोग टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पे होता है, उन्हें एफएटीएफ की लिस्ट, ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है. ठीक है. और इसके पहले पाकिस्तान को 2018 में शामिल किया गया था लेकिन उसको हटाया नहीं गया है. स्टिल ये नई जो लिस्ट आई है उसमें पाकिस्तान का नाम है लेकिन नया जो नाम जोड़ा गया है वो यूएई का नाम जोड़ा गया है. ठीक है. पाकिस्तान समय समय पर एंट्री और आउट होता रहा है. बार बार इसकी एंट्री हुई है, आउट हुआ है, जैसे कि 2018 में इसे एंट्री किया गया था. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. राजस्थान हाई कोर्ट के, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है या किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट करेगा इन्हें? तो इन्हें अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. जस्टिस महिंदर मोहन श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. इन्होंने अखिल कुरेशी जी की जगह ली है क्योंकि अखिल कुरेशी जी अब त्रिपुरा हाई कोर्ट में जा रहे हैं. तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी बन गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री RIL हैज़ अनाउंस ओपनिंग ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन द जियो वर्ल्ड सेंटर इन. तो द जियो वर्ल्ड सेंटर ओपन किया जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ा कल्चरल डेस्टिनेशन होगा. कहाँ पे? तो मुंबई में. ठीक है. कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? मुंबई में ओपन किया जा रहा है. लगभग 5 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ होगा. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में. द इनिशियल लॉन्च आर धीरूभाई अंबानी स्क्वायर, द म्यूजिकल फाउंडेशन ऑफ जॉय, द जियो वर्ल्ड कन्वेक्शन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर. इट विल इंक्लूड द कल्चरल सेंटर, म्यूजिकल फाउंडेशन, कैफ़े हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सभी कुछ चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी. नेक्स्ट है एसोचैम, एसोशिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अवार्डेड इट्स अवार्ड फॉर सस्टेनेबल एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट टू CTRLS, आर डेटा सेंटर कंपनी. तो CTRLS कंपनी इज़ बेस्ड इन, तो एसोचैम के द्वारा यहाँ पर सस्टेनेबल एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए
कर्ल एस्को जो है, जो कि एक डेटा सेंटर कंपनी है, इसे अवार्ड दिया गया है। ये कंपनी कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा इसका हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में मिलेगा। बेसिकली जो लोग भी पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो भी कंपनी अपना जो काम कर रही है वो तो कर रही है, उसके अलावा कुछ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में कोविड 19 पैंडेमिक के समय किसी ने भी अपने एफर्ट्स दिखाए हैं या फिर एनवायरमेंट के प्रति कोई अपने एफर्ट दिखाए हैं, तो ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करके एसोचैम के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया फर्स्ट FSRU ह्यूज जाइंट अराइव्ड एट द जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र। तो इंडिया की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU, ठीक है, ये ह्यूज जाइंट जो कि कहाँ पर आ रही है, ये सिंगापुर शिपयार्ड के द्वारा भेजी जा रही है भारत में, कहाँ पर, जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में। ये जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। बेसिकली जयगढ़ पोर्ट जो है वो फर्स्ट डीप वाटर 24/7 ऑपरेशनल प्राइवेट पोर्ट है जो महाराष्ट्र में है, और वहाँ पर ये FSRU मतलब फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट को सिंगापुर के द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि 2017 में इसे बिल्ड किया गया था। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 170,000 क्यूबिक मीटर्स है, इंस्टॉल रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 750 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। ठीक है, दिस विल डिलीवर रीगैसिफाइड LNG टू 56 किलोमीटर लॉन्ग जयगढ़ धबोल नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है राजस्थान अनाउंस कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी विथ 10 करोड़ बजट। तो राजस्थान अभी देखिए सारे स्टेट्स भी कुछ स्टेट अपने बजट पेश कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा स्टेट अपना बजट पेश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करते हैं, वो 2014 वही समय है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके अलावा रशिया जो है वो क्रीमिया के हिस्से पे कब्जा कर लेता है, तभी 2014 में कैमल को स्टेट एनिमल का दर्जा राजस्थान ने दिया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहते हुए कहा है कि लगातार जो है वो हमारी कंट्री में कैमल की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर लेस देन द 2 लाख कैमल आर लेफ्ट इन द राजस्थान एंड इन द एंटायर कंट्री द नंबर ऑफ कैमल है रिड्यूस बाय 1.5 लाख। 1.5 लाख तक कैमल जो है वो रिड्यूस हो गए हमारी कंट्री में, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा कैमल प्रोटेक्शन पॉलिसी शुरू की गई जो कि 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ आई है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना टॉप द कंट्री इन टर्म ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस। तो देखो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है बिकमिंग द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन अ टर्म ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रोथ रेट किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी किस स्टेट की इम्प्रूव हो रही है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पर जो नाम आया है वो तेलंगाना का आया है, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो यहाँ पे GSDP इंक्रीज़ हुआ है तेलंगाना का 2021-22 में कितने परसेंट, 31.12% से इंक्रीमेंट देखा गया है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट इस स्टेट में देखी गई है। ठीक है, क्यों इसका अभी क्रेडिट अगर हम देखें तो इसका क्रेडिट जो देने की बात की गई तो रायतु बंधु स्कीम फॉर फार्मर्स जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरीगेशन कलेश्वरम प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड एंड द आरोग्य लक्ष्मी स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। तो ये सारी स्कीम भी समय समय पे शुरू की गई हैं जिसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंडेक्स में देखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइनीज रॉकेट डेबरी क्रैश इनटू मून क्रिएटिंग अ 65 फीट वाइड क्रेटर ऑन द लूनर सरफेस। देखिएगा एक चाइनीज रॉकेट था, उसका जो कचरा था, डेबरी मतलब होता है कचरा जो स्पेस में घूमता रहता है, वो क्रैश हो गया और मून से टकरा गया। और मून से टकराने के बाद जब किसी चीज़ से टकराएगी कोई चीज़ तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा ना, होल हो जाएगा, जिसे हमने क्रेटर कहा है। तो लूनर सरफेस पे एक क्रेटर देखा गया है जो कि 65 फीट है। हालांकि अगर हम इसकी स्टोरी पे एक बार नज़र डालते हैं तो बिल ग्रे करके एक व्यक्ति हैं,
ये प्लूटो पे रिसर्च कर रहे थे, ये प्लूटो के बारे में सर्च कर रहे थे, तब इन्होंने रिपोर्ट किया था एक बहुत बड़ी डेवरी के बारे में, कचड़े के बारे में, और कहा था ये जो कचड़ा है ये एलन मस्क के जो स्पेस एक्स रॉकेट है उसका कचड़ा है। लेकिन बाद में इन्होंने और इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि नहीं, ये एलन मस्क के रॉकेट का कचड़ा नहीं है, ये चाइनीज़ रॉकेट का कचड़ा है। हालाँकि चाइना ने इस बात को डिनाई कर दिया था और अब फाइनली वो डेबरी जो थी वो यहाँ पर लूनर सर्फेस से टकराई है और जिसके बाद 65 फीट का एक क्रेटर जनरेट हुआ है मून पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे हैज़ प्लान टू रोल आउट इट्स इंडिजेनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अक्रॉस 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क इन द 2022-2023 फिस्कल ईयर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिस्टम। तो यहाँ पे कोलिजन को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कोलिजन फ्री सिस्टम शुरू किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, उस सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कवच, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुनीत फ्रांसिस रोजर्स हु हैज़ सर्व एज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी पास्ड अवे, ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के गवर्नर की तरह इन्होंने सर्व किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू द ग्रे लिस्ट ऑफ द FATF? FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? तो UAE बन गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली वॉज हेल्ड इन अ हाइब्रिड फॉर्म इन, तो कहाँ पर अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का सेशन हुआ था? तो ये हुआ था नैरोबी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया ग्लोबल फोरम इवेंट जो है वो कहाँ पर हुआ, इसका वेन्यू कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट इन एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो कौन बन गए चेयरपर्सन? तो डी एन पटेल जी का बात की थी हमने, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द SBI, तो SBI के DMD कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नितिन चुंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विद्या बालन किस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 2022 इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम क्या थी? तो जेंडर इक्वलिटी, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये डे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विद आउटलेट ऑफ, तो यहाँ पे पुणे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी है, जिसमें एल्यूमिनियम की कोचेस रहेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 11,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड द 9th एडिशन ऑफ नेबल एक्सरसाइज सिलेनिक्स इन विशाखापट्टनम, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, विशाखापट्टनम में हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एट द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमन लेखी, जो कि मीनाक्षी लेखी जी के हस्बैंड हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी सरनोबत, ईशा सिंह और रिद्म संगमान, जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है ये? और दूसरा क्वेश्चन है कि जेट एयरवे के CEO कौन बन गए हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बाकी बातें हम कल करेंगे, कल के सेशन में करेंगे। कुछ और करंट अफेयर्स रह गए हैं यहाँ पर, जो हम कल शामिल कर लेंगे, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो रहा था। थैंक यू।